हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो वेलकम बैक वंस अगेन। तो हाजिर हैं आपके लिए हम एक बार फिर से। तो आपने देखा ही होगा थंबनेल में कि टॉप की दो वैकेंसीज हम आपके लिए लेके आए हैं। तो इसमें आप दोनों साइड से यानी कि ऑल ओवर नॉर्थ के जितने भी हैं सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ये जो वैकेंसी हमारी यूपी और उत्तराखंड दोनों के लिए मिक्सअप है, तो आप चाहे जिस भी दोनों से स्टेट से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड, जब सबसे पहली जॉब आप देख सकते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल नंबर 1 रुड़की पे, तो ये टीचिंग की वैकेंसीज हैं। कहाँ पे हैं? यहाँ पर केवल इंटरव्यू है और ये टर्म बेसिक ऑन फिक्स्ड के लिए है, और ये जो सेशन होगा 21-22 के लिए ये एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर दो जो रुड़की में जो दो आर्मी पब्लिक स्कूल है नंबर 1 एंड नंबर 2 दोनों के लिए यहाँ पर वैकेंसीज निकली हुई हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वैकेंसीज निकली हैं, 1 के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं TGT इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस एंड सोशल स्टडीज, और उसके अलावा PRT की भी भर्तियां निकली हुई हैं। उसके बाद एक्टिविटी टीचर के लिए फिजिकल निकला हुआ है, और उसके अलावा कंप्यूटर टीचर की भी यहां पर वैकेंसी निकली है, और स्पेशल एजुकेशन में PRT ग्रेड की भी निकली हुई है। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप रुड़की 1 में भरना चाहते हैं। अब आते हैं रुड़की 2 में, जहाँ पर TGT साइंस सोशल साइंस काउंसलर PRT एक्टिविटी टीचर यानी कि म्यूजिक में अगर आपका पैशन है तो इट विल बी अ ग्रेट जॉब फॉर यू। उसके अलावा एक्टिविटी टीचर, उसके बाद स्पेशल एजुकेशन। तो ये रही दो वैकेंसीज, सॉरी दो अलग अलग जो संस्थान है रुड़की 1 एंड रुड़की 2 में, दोनों आप देख सकते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल में ये भर्तियाँ हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर मेन पे कि कैसे इसमें अप्लाई करना है और क्या इसका प्रोसीजर है और क्या इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन होंगे। तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैं आपको बता दूँ, TGT के लिए ग्रेजुएशन विद BEd एंड इक्विवेलेंट विद मिनिमम 50% ईच होना चाहिए। उसके अलावा PRT के लिए आपके पास ग्रेजुएशन प्लस DLED या फिर BLED के पास के अलावा 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। देन एक्टिविटी टीचर्स के लिए मस्ट हैव बी ग्रेजुएट इक्विवेलेंट विद 50% मार्क्स एंड रिस्पेक्टिव फील्ड में अलग अलग होना चाहिए। काउंसलर के लिए BA साइकोलॉजी या फिर ग्रेजुएशन होना चाहिए आपको, और उसके पास अलावा डिप्लोमा इन काउंसलिंग सर्टिफिकेट भी इसमें होना चाहिए। उसके अलावा जितने भी नॉर्म्स हैं बाकी वो CBSE के अनुसार ही होंगे। उसके अलावा अब इसमें अब आते हैं इसमें कि एप्लीकेशंस आपको कैसे भरना है। तो इसमें आपको जो है जो मिनिमम एज पर है देख सकते हैं एज एज पर अप्रैल 21 फॉर फ्रेशर कैंडिडेट 40 और जो एक्सपीरियंस है उनके लिए 57 इसमें एज है। उसके अलावा कैंडिडेट क्वालिफाइड ऑल द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्टेड बाय आर्मी वेलफेयर सोसाइटी के पास में आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब इसमें अप्लाई जो पे एंड अलाउंस है एज पर APS नॉर्म्स है, तो आप उसको गूगल कर सकते हैं, वो उसमें आपको सारी डिटेल्स में मिल जाएगी। उसके अलावा अब इसमें कैंडिडेट को अप्लाई करना है, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको जाना है। द कैंडिडेट शुड अप्लाई इन प्रिस्क्रिप्ट एप्लीकेशन फॉर्मेट अवेलेबल ऑन स्कूल ऑफिस फ्रॉम 18 जनवरी 2021, या इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं। अदरवाइज जो इनका जो ऑफलाइन जो है स्कूल है रुड़की 1 एंड 2 पे उस पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। 100 रुपी RS फीस है, आपको DD बनवानी है, डिमांड ड्राफ्ट जो 100 रुपी कराना है इन फेवर ऑफ द चेयरमैन के उसमें बनाना है। तो 15 February 2021 इसकी लास्ट डेट है, बाकी आप इनसे चाहे तो संपर्क कर सकते हैं। राइट साइड आपके लेफ्ट साइड में देख सकते हैं स्कूल का नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और वेबसाइट दिया। 30 चीज़ें इसमें मैंने आपको सभी चीज़ें बता दी। नंबर 1 जो जॉब की वैकेंसी थी। तो इसके अलावा कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे टैग कर सकते हैं, लिंक सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। चाहे आप मुझे इंस्टा ट्विटर टेलीग्राम व्हाट्सएप फेसबुक पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यार चैनल पर पहली बार आए हो, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। दूसरी जॉब को बताने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज 84% लोगों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर यार सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको जॉब से रिलेटेड कहाँ मिलेगी। थोड़ा सा फिर यार कर दो, रिक्वेस्ट ही है, कर दो सब्सक्राइब और कर दो शेयर। अगर ऑलरेडी कर लिया है सब्सक्राइब तो बढ़ता हूँ मैं अगली जॉब की तरफ। तो अगली जो जॉब है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, टीचिंग प्लस नॉन टीचिंग है। ये है श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी मेरठ में, लखनऊ मेरठ, रादर देन लखनऊ में, जहाँ पर आपको रिज्यूम केवल मेल करना है।
बाकी किस तरह से क्या क्या इसमें पोस्ट है वो हम आपको बताएंगे। तो एस आर एम इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग पोजीशंस, आप देख सकते हैं प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये सारी जॉब है। बाकी आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग जिनमें सभी भी डिसिप्लिन में है, मैं आपको बता दूँ इंजीनियरिंग में सिविल, सी एस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इसी सभी में है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये रही हायर लेवल के टीचिंग की वैकेंसीज। अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिंग में, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिंग में जाना चाहते हैं बिकॉज ये नॉन टेक्निकल है, जहाँ पर आपको डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, ग्राफिक डिज़ाइनर, पर्सनल सेक्रेटरी, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी असिस्टेंट, ऑफिस एग्जीक्यूटिव और लैब इंस्ट्रक्टर और लैब टेक्नीशियन, ये देखें आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी 9 वैकेंसीज हैं। उसके अलावा राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं सारे एक्सपीरियंस, MBA विद 5, MBA पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रेशर, नॉलेज ऑफ कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, पेज मेकर, MLM, MSc ग्रेजुएशन और ऑफिस एग्जीक्यूटिव के लिए ग्रेजुएशन विद कंप्यूटर का नॉलेज होना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब सबके लिए होने वाली है। बाकी लैब इंस्ट्रक्टर, लैब टेक्नीशियन, तो ये सारी जॉब है। अब इसमें आपको करना क्या है कि काइंडली मेल योर CV विद 7 days एट रिज्यूम @srmu.ac.in पे आपको ये चीज़ें करनी है। बाकी आप अगर अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी है, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन सेंड योर रिज्यूमे रिस्पेक्टिव इन सब्जेक्ट में आपको उस पोस्ट का नाम लिखना है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो ये दोनों जॉब की जो ये नोटिफिकेशन है, आप मेरे इंस्टा पे जाइए, वहाँ पर आपको ये चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। इसीलिए कहता हूँ इंस्टा पे भी फॉलो करते रहे, वहाँ पर भी हम रेगुलर कुछ ना कुछ पोस्ट जो है जॉब्स रिलेटेड डालते रहते हैं, पोस्ट करते रहते हैं। बाकी वीडियो कैसे लगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी हैंडल्स मैंने ऑलरेडी बताया, सोशल मीडिया के दे रखे हैं। वीडियो कैसे लगी बताना कमेंट सेक्शन में, और किस चीज़ से रिलेटेड आपको जॉब्स चाहिए वो भी बताना। बाकी अगर आप हमसे लाइव जुड़ना चाहते हैं तो, और आप अपने कॉमेंट्स देखना चाहते हो, संडे हमसे आप जुड़ सकते हैं क्योंकि हम आपके कॉमेंट्स का जवाब लाइव देते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो कर देना शेयर, बहुत अच्छी लगी तो कर देना लाइक, और पसंद आया हो चैनल तो कर देना सब्सक्राइब। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।